आज का विषय है औषधीय चावल, जैसे लाल चावल है, हरा चावल है, काला चावल है, ये औषधीय है जो हमारे बिहार कौन कहे कि हमारे जिला में भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसमें हमारे कृषि जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे विकास जी हैं, अमरदीप सिंह राय जी हैं, और किसान हमारे जो सहयोगी हैं विजय गिरी जी, इनके द्वारा हमको ये लाल चावल देखिए ये मिला हुआ है। और हम चाहते हैं कि पूरे जिला में बड़े पैमाने पर अब फिर इसकी खेती की जाए, जिससे आर्थिक स्थिति किसानों की सुदृढ़ होगी और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। ये जो है शुगर की बीमारी में, दिल की बीमारी में, मोटापा में और कैल्शियम होने के नाते ये हड्डी भी मजबूत करने में काम आता है। तो मैं इन सभी के सहयोग से हम सभी किसान भाई आगे की तरफ जा रहे हैं, इससे हमारी 2 रुपया ज़्यादा मिलती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। इन्हीं के सहयोग से कुछ पौधा हम भी लगाए भी हैं जो आपको आगे भी बताएंगे, जैसे भिंडी है, रंगीन भिंडी है और सब रंगीन आइटम है जो हम लोग लगाए हैं। और हमारा सोच है कि अगर कृषि पदाधिकारी जो भी है एक कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग 10 कदम की किसान पढ़ने को तैयार हैं। और देखिए ये अब ये हरती हरा चावल है, लाल चावल भी मिला है लाल, और देखिए ये हरा चावल है, ये भी औषधीय है। और ऐसे आपको इस तरह से अनेक प्रकार की चावल, रंगीन चावल जो है हमारे यहाँ खेती हो रही है और इससे आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। और सबके सहयोग से मैं अगले वीडियो में मैं जो औषधीय पौधा है उनके विषय में भी चर्चा करूँगा। और इसी के साथ मैं सभी किसान भाइयों को और कृषि पदाधिकारी जो भी हैं इनके सहयोग से हम लोग आगे, हमारा जिला बढ़ रहा है, मैं उसी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।